अरे ये रहा, यही तो है, ये रहा सामने, देख लेफ्ट में करो, ये रहा कि ये रहा यार लेफ्ट में, जोड़ा कम क्रिकेट ग्राउंड ज्यादा लग रहा है। रास्ता आगे से, रास्ता 240 किलोमीटर से चलो आगे से होगा फिर आगे से। अरे यहां से भी जा सकते हो बैठ के। अरे रुको कराके से ले मेन जगह से, यहां से भी रखा तो काका जी कह रहे मेन जगह से लो, पर मेरे को लग नहीं रहा इसमें तो कहीं से भी घुस जाओ, देख लेते हैं यार हो सकता है आगे से रास्ता हो। अब लेफ्ट आएगा भाई, उस साइड वाली पार्किंग होगी ना लेफ्ट, या तो कुछ लेफ्ट है ही नहीं, वही से है मोड़ के उल्टी। ये 20 मीटर से यहां से बता रखे हैं, यहां से अरे स्टेडियम सा लग रहा है, देख बच्चे वो कर रहे हैं, मेहनत मेहनत कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? क्या उसमें तार? अच्छा ये कुछ हमें हेरिटेज साइट सी बताइए तो हम यहाँ आए हैं देखने। ये है जेठानी का जोरा, जेठानी डीप हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे क्योंकि पता नहीं ये है क्या, बाकी मैं कोशिश करूंगा। बस हम यहाँ से जा रहे थे हाँ। तो हमें दिखा भाई कुछ, पर मैं कोशिश करूंगा इसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूं आपके लिए। अभी यहाँ तो वही है ना, ये मतलब एक वो क्या बोलते हैं उसको, शाम का इवनिंग स्पॉट बना रखा है लोगों ने इसका। सेठानी का वो जोहरा देखने के बाद हम जा रहे हैं सैंड ड्यून्स देखने, तो आप चूरू को हल्के मत लीजिए जब तक करण जी की तबीयत भी थोड़ी रिकवर हो जाएगी। जो इश्यूज है वो सारे और सैंड ड्यून्स भी देख लेंगे, चलो मिलते हैं सैंड ड्यून्स में। धर्म स्तूप यही है भाई, यहाँ के जो चूरू सारा युद्ध गिर्द घूमता है जिसके, तो इधर भवानी कोठी लेफ्ट, राइट में अपना जोरा, सीधा अपना सैंड ड्यून्स। इसी स्तूप के हम चार चक्कर काट चुके हैं। इटनरी बिल्कुल बहुत बेकार रही है अभी तक। नहीं तो अभी तो हम निकल जाते बीकानेर साइड। यही तो है, इनसे पूछो ना। अरे अभी तो होदा के भाई, तीन किलोमीटर है, क्या नाम है वो, कहाँ है सैंड ड्यून्स, वो टीले का है, रेत के टीले, रेत के टीले यही है, गाड़ी चढ़ जाएगी, गाड़ी क्यों नहीं चढ़ेगी, आगे नहीं है क्या, कांटे लगे हुए हैं तो आगे आगे वाले टीले पे तो चढ़ेगी नहीं, आपके हाथों इसका मुंह ही है। नहीं अरे देख कितनी गाड़ी खड़ी, ओ देख कितनी पब्लिक चढ़ रही, देख ये भाई आगे, भाई आगे करण जी कैमल राइड साहब। अच्छा ये वो है क्या, मतलब यहाँ फोटो उतार के फिर स्टेटस पे लगा देना कि एंजॉयिंग इन जैसलमेर। हाँ एंजॉयिंग इन जैसलमेर, कपल बैठी हैं, क्या करोगे उतरोगे ना, देखो मटी या पसली देख एक। आगे चूरू के फेमस सैंड ड्यून्स, जिनको यहाँ से यहीं रह के जैसलमेर की फील लेनी है वो यहाँ से ही वापस हो सकता है। काफ़ी सारे कैमल्स हैं यहाँ, कैमल राइड करनी हो तो। चलो जी
बैक टू बेसिक्स, चलते हैं अपनी वापस कोठी पे। और शाम का करण जी की तबीयत थोड़ा ठीक लग रही है, मुड्डे लगाएंगे बढ़िया से और फिर ऊपर। डाका साहब जी रेडी? रेडी। सैंड न्यूज भी दिखा दी आपको, तीन प्लेसेस दिखा दी मैंने आपको फेमस, एक अपना घेवर को खिला दिया, एक जेट सेठानी का जोरा दिखा दिया, और यहाँ के मिनी जैसलमेर की सैंड न्यूज दिखा दी है। अब बदतमीजी अब देखना लोगों की कैसे जाम लगेगा। ये देखो क्रॉस में शुरू शुरू चुनी आदमी है, यहाँ पे भी है। चलो प्रॉपर्टी का जो टूर है वो कराएंगे सुबह, ठीक है? अभी आओ लेट्स गो हैव सम फन। सबसे पूरा बोन फायर का इंतजाम है और सारे का चार्ज हो रहा है अभी। ओल्ड सॉन्ग 5000 विद 10 इयर्स ओल्ड बमोर। तो वो रखवा दी ऊपर, सब रखवा दिया ऊपर, अभी फायर तो होंगे ना तो मैं बोलूंगी। डॉक्टर साहब यस, तो सेट कर दी दुश्मन की तरफ। ये देखो क्या लिया, थाली लिया? वेरी गुड। डाका साहब तो ऑलरेडी डिनर कर चुके हैं। करण जी क्या क्या रिव्यू है थाली के? देखो अच्छा थाली में क्या है, ये कैसे मिक्स वेज है, मिक्स राइस है, पनीर है, दाल है, पापड़, पापड़ है, और सबसे स्पेशलिटी बताइए यहाँ की चटनी। चटनी ये लाल वाली, ये वाली कसूती लाल है भाई, देखिए ये रुक जा। बोलो देख, मेरे जो चैनल को प्रमोट करने में है ना दो आदमियों का मेन आते हैं, वो कहते हैं ना देखो एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको, चाय बनानी है, एक तो ऑर्डर देता है अरे दो कप चाय बना दे, फिर एक सुनता है उस ऑर्डर को, एक चाय बनाता है एक्चुअली उस, अब उसमें तीन आदमी आ गए। अब ऑर्डर देने में कौन है? हमारी अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे जो हमारा चैनल देखते हैं कि भाई वी वांट टू सी द चैनल कंटेंट। अब बनाने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है? मैं। अरे चाय बना दे, मैंने सुन ली। अब मेरे को चाय बनानी नहीं आती, उसमें मेरा हेल्प कौन कर रहा है? सबसे पहला आदमी मलिक साहब, देख लीजिए। देखो चीनी डालता है कौन पहले, उसमें चाय बनाने के लिए क्या होता है, पहले चीनी डालनी पड़ेगी, दूध डाल के उबालना पड़ेगा, उसके बाद अगर तुम छानोगे नहीं ना तो वो चाय जीरो है। तो चीनी डालने वाला काम कर रहा है करण। करण जो एफर्ट डाल रहा है ना फोटो खींचने में, वीडियो यार लेट जाता है लौंडा, ऐसे यूं बिल्कुल रेत में हो जाता है, गोबर में हो जाता है, भाई फोटो बढ़िया आना चाहिए। वो चीनी डाल रहा है इतनी बढ़िया कि आदमी को ये लगे भाई वाह क्या चाय बनाई है, लेकिन अगर छानोगे नहीं तो चाय कैसी बनेगी? अच्छी नहीं बनेगी। अब वो छानने वाला है मलिक साहब, दिग्विजय सिंह मलिक, जो एडिट करता है वीडियो, उसका मेन रोल है। तो मैं इन दोनों का इतना शुक्रगुजार हूं, मतलब ये जो एफर्ट दे रहे ना मेरे चैनल पे, भाई आप भी हो, सपोर्ट आप भी कर रहे हो, क्यों? अरे कोई एक्टर भी तो होना चाहिए। नहीं होगा तो रमेश सिप्पी क्या करेगा, वो किताबें लिखता रह जाएगा। तो रमेश सिप्पी कैरेक्टर में कौन आएगा, आप तो कैरेक्टर में धर्मेंद्र हो। आप लोग करो करण चीनी डालता ना, आप इलायची और अदरक रगड़ के डाल दो, चाय ऐसी बनेगी, है ना? ना ठीक है, आज का डिस्कशन यही क्लोज करते हैं। करण जी आ जाओ, आपने चीनी बहुत डाल दी, मीठा ज्यादा हो गया, आप खाना खाओ आगे।